फिलहाल अभी हमने होटल ले लिया है, सामान रख दिया है, 2:05 है और हम निकल रहे हैं अब सोलंग वैली। देखते हैं पैराग्लाइडिंग का भी अगर सीन बनता है तो। 2 तो बज गए हैं, अंधेरा ना हो जाए बस यही डर है। जल्दी से वीडियो की शेकी बन रही है। ये वाला रास्ता जाता है इधर से, हमें उधर क्रॉस करनी है रिवर, ये रिवर क्रॉसिंग करके फिर उधर से ऊपर जाना है। ये रिवर क्रॉसिंग है, यहाँ से हमें जाना है। ये रास्ता अब सीधा ऊपर जाएगा वहाँ स्नो में। यहाँ पे थोड़ा जाम रहता ही है, ये हर बार की कहानी है यहाँ पे, बट कोई बात नहीं, वी विल मैनेज। लुक एट दिस, जाम बहुत ज़्यादा है यहाँ पे सोलंग वैली के रास्ते में। बची है 5 किलोमीटर, अटल टनल बचा 17 किलोमीटर। रोहतांग अभी बंद है इसलिए हम जा नहीं पाएंगे, नहीं तो रोहतांग भी चले जाते 44 किलोमीटर, और वहाँ पे हैवी स्नोफॉल की वजह से रोहतांग बंद कर दिया गया है। स्नोफॉल आप देख सकते हो यहाँ पे भी, पूरी बर्फ है रोड पे और ये मेरे साइड में भी। सोलंग वैली आने वाली है, 4 किलोमीटर के आसपास रह रही होगी, बट जाम देखो नीचे से 8 किलोमीटर में ऊपर आ गया हूँ, बट अभी भी जाम लाइन की लाइन लगी हुई है इनकी। मेरे को नहीं लगता आज ये टाइम से पहुंच पाएंगे, इनकी जो हालत हो रखी होगी अब तो यही जाने जो इनका बुरा हाल हो रहा होगा। अभी मैं यहाँ पे रुका हूँ, उनका वेट कर रहा हूँ। इतने बातें हैं, इतने आप ये नज़ारे देखो, लुक एट दी पार्वती रिवर, अमेजिंग ना। What a mountain, man! This is the beauty, you know. I missed it. काश मैं वहाँ जा सकता सबसे टॉप पे। Public reaction. देख रहे हो भाई लोग बाइक को लेके, फ्री पार्किंग सोलंग वैली और हम बस वैली में आई गए हैं। लुक एट द पैराग्लाइडर्स ओवर देयर, फाइनली वी आर एट सोलंग वैली, लुक एट द सीन्स, पैराग्लाइडिंग, रोपवे, लुक एट द रोपवे। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं ऊपर पैराग्लाइडिंग करने। यहाँ पे 2 वैरायटी की पैराग्लाइडिंग है, एक है 1000 की जो कि बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पे जैसे ये, और एक है 3200 वो जो ऊपर से आ रहा है ना, वो वहाँ से। तो हम कर रहे हैं ऊपर वाली हाइट से, अब हमें जाना है इस रोप वे से ऊपर जाके पैराग्लाइडिंग करेंगे। चलो मैं और भारत जा रहे हैं, गौतम के पैर में चोट लग गई है आज सुबह, थोड़ा सीढ़ियों से गिर गया वो, तो हम दोनों जा रहे हैं अभी ऊपर। पायलट लग रहे हैं हम, दुनिया में पायलट समझ रही है हमारी ड्रेसिंग, देखो सेम 32,500 में इनको ले चलते हैं अपने साथ। ये है यहाँ की टिकट, एंट्री ले ली हमने, अब इसमें जाएंगे रोप वे में। रोहतांग में फायदा है, जब हम वहाँ जाएंगे ना लेह लद्दाख, तब तब कर ट्रैफिक नहीं है यहाँ से, मतलब 800 मीटर है ये
किलोमीटर लगा लो ऑलमोस्ट किलोमीटर मान एक किलोमीटर है और सीधा वहां तक किलोमीटर मान के चलो आगे तक जाते का रास्ता ठीक है एक किलोमीटर आप तो पूरे दिन यहाँ से फ्री में घूमते होंगे इसमें ऑटोमेटिक होता है ना चुंबक सिस्टम है अपने आप पकड़ जाता है पबजी वाला है चलो भाई कानों में ढक्कन से लग जाओ पूरा चलो चलो सर फाइनली वी आर ऑन द टॉप लुक एट दिस ऊपर लोग वो हैं जो रोप वे से आए हैं बस ऊपर मजे लेने और हम जा रहे इधर उनसे ज्यादा मजे लेने हम ऊपर से उड़ेंगे विंग कमांडर अभिनंदन यस विंग कमांडर अभिनंदन यहाँ पे आ गए अब हम और यहाँ से अब हमें पैराग्लाइडिंग करनी है रास्ता देखो व्हाट अ हाइट गाइस लुक एट द व्यू अपना पायलट कहां है भाई आगे चल वो बैठा हुआ आगे बैठो सारे बैठे हो तू भाई बहुत बुरी फट रही है इनको देख के कोई तो यहाँ पे गिर भी रहे हैं बहुत दुख है भारत का नंबर आ गया है मेरा नंबर बाद में है बहुत टाइट है हवा बहुत टाइट है कुछ भी हो सकता है गलती कर दी ये देखो वो देखो वो भारत है वहाँ पे तैयार हो रहा है वो भारत तैयार हो रहा यस 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 नो 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 ओ भारत गिर गया मजा आ गया भैया थैंक यू भैया अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं सोलंग वैली से क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए हैं और गौतम के पैर में दर्द है क्योंकि उसके पैर सुबह मुड़ गया था तो शायद मांस फट गया है स्वेल्ड हो गया है तो हमें अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा ये सोलंग वैली शाम का सीन और पैराग्लाइडिंग करी मैंने ऑसम बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है मेरा बहुत मज़ा आया और वहाँ से करी बिल्कुल टॉप से हमने एक यहाँ से भी हो रही थी बट हमने बिल्कुल टॉप से करी तो अब यहाँ से बस निकलने की तैयारी है अब मैं आपको सीधा होटल पे मिलूँगा सॉरी टू से हम और ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए बट वहाँ पे देखिए वहाँ पे स्कीइंग हो रही है रास्ते में आपने देखा होगा वो डर्ट बाइक जो चल रही थी वो इधर ये ट्यूब और इधर अपना रोप वे ये तो आपने देख लिया होगा यहाँ से तो हम गए हैं और इधर अपना ये फूड पॉइंट है बाकी यहाँ पे ऐसी सारी चीज़ें यहाँ पे अपना लोग ये देखो अपना बढ़िया अपने मज़े ले रहे हैं ये पैराग्लाइडिंग और यहाँ पे क्या हो रहा है वहाँ पे बस स्कीइंग चल रही है दैट्स इट और ऊपर वहाँ पे आपको मैंने दिखाई दिया वहाँ पे जो भी सीन चल रहा था वहाँ पे लोग कैसे अपना इग्लू बना रहे थे आराम से बैठे अपना फ़न कर रहे थे पिकनिक टाइप तो रोप वे से ऊपर जाना पड़ता है उसके रोप वे के भी चार्जेज है कुछ 700 के राउंड है तो अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ और होटल पहुँचते हैं फिर वहाँ पे अब डिनर करने के टाइम मिलता हूँ या फिर होटल में मिलता हूँ ओके सिया
तो हम वहाँ से वापस आ गए और मैं हूँ अभी मॉल रोड पे, और यहाँ पे अभी भीड़ बहुत ज़्यादा है। ये है माल रोड मनाली। अभी हम यहाँ से बस डिनर करेंगे यहाँ पे, और थक बहुत ज़्यादा गए हैं। अभी बस हमने खाना ऑर्डर किया है, यहाँ पे हम खा नहीं सकते, डाइन इन हम कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा वेटिंग है, बाहर लाइंस लगी हुई हैं, तो जैसे इसलिए हमने उसको पैक करा लिया है टेक अवे करके। वो अभी गौतम भी वहाँ पे है, वेट कर रहा है हमारा रूम पे, वहाँ पे जाके फिर तीनों एक साथ खाएंगे। फिलहाल अभी माल रोड के नज़ारे देख रहे हैं। अभी डिनर कर लिया हमने, अब बस हम सोने जा रहे हैं। नींद बहुत तेज़ आ रही है और थक बहुत ज़्यादा गए हैं, हालत बहुत ख़राब है, और अब हमें सुबह निकलना है। जहाँ भी जाएंगे देखते हैं जितना भी चला पाए, अभी सो जाते हैं। नहीं, इस ब्लॉग को अब इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें अभी बिल्कुल ना जाएं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय 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 बाय।